गुड इवनिंग ऑल द पेरेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स. एट द सेम टाइम द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस जो इवन क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए उन्हीं सब बच्चों को ऑल द बेस्ट और उम्मीद करता हूं सभी लोग पूरी तरह से तैयार होंगे. जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षा बच्चों के साथ साथ उनके पालकों की उनके टीचर्स की सभी की परीक्षा शुरू हो जाती है. चारों ओर कंफ्यूजन से नजर आने लगते हैं. पेरेंट्स भी बिविल्डर्ड होते हैं, बच्चे भी बिविल्डर्ड होते हैं, एक घबराहट सी होती है और कई बार ऐसा देखने में आया है कि एग्जाम स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो एक फोबिया का रूप ले लेता है और फिर लोग उसे एग्जाम फोबिया का नाम दे देते हैं. माननीय पालकगण और प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन, यू आर ऑल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. आप पूरे वर्ष भर तैयारी करते हैं. पूरे वर्ष भर तैयारी करते हुए अपने एनुअल एग्जामिनेशन में बेस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं. जिस समय क्लास चल रही होती है हर एक चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और वो सारे कंसेप्ट आप समझ करके आते हैं. सिलेबस कंप्लीट होता है और उसके बाद शुरू होता है रिवीजन का पार्ट. अच्छा, एक और बात ध्यान रखें कि रिवीजन का पार्ट पूरा सिलेबस होने के बाद ही शुरू नहीं होता. स्कूल श्री कुंवर तारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर हर एक वेंसडे टेस्ट के पहले एक रिवीजन वर्कशीट देता है जिसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, जो कंटेंट की टेस्ट लेने वाले हैं उस कंटेंट से रिलेटेड कंसेप्ट्स को वेरियस आइटम्स के माध्यम से बना करके बच्चों को दिए जाते हैं जिससे वो एक थारो रिवीजन करके वेंसडे टेस्ट में शामिल हो. अतः एक या दो चैप्टर एक महीने में पूरे होते हैं और बच्चा उसकी परीक्षा देता है. पहला रिवीजन हुआ. मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है. आपका एक्सपोजर एग्जाम को, एग्जाम के पैटर्न को काफी सारा है. इसके पहले हमने इसके बाद या इसके दौरान सत्र के दौरान एक मिड टर्म परीक्षा होती है, मिड टर्म एग्जामिनेशन होती है. लगभग 40-50% सिलेबस बोर्ड परीक्षाओं में, बोर्ड क्लासेस के अंदर 60-65% सिलेबस कवर करके उसकी एग्जाम ली जाती है. मतलब उस कोर्स को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लिया गया है और उसमें कंफर्मेशन ले लिया है कि हमें कितने मार्क्स आए. हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगला स्टेप लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कुछ और बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो साइकिल टेस्ट शुरू होते हैं. साइकिल टेस्ट का सीधा सीधा एक ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो रिवीजन. माइक्रो रिवीजन मैं यहां पर टर्म यूज करना चाहूंगा. स्कूल्स ने बच्चों का साइकिल टेस्ट के माध्यम से माइक्रो रिवीजन कराया. उस माइक्रो रिवीजन में लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा करके बच्चों को उनकी लर्निंग को कंफर्मेशन कराया, उनके लर्निंग हर्डल्स को आइडेंटिफाई किया. जब ये साइकिल टेस्ट पूरे हुए उसके बाद प्री बोर्ड शुरू किए. प्री बोर्ड शुरू किए, इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर एक लेबल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हाथ में आया, मतलब एक्सपोजर ऑफ some questions and a question paper.
स्कूल में आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी दे रहे थे क्लास 12 के बच्चे, तब भी वो थ्योरी का तैयारी कर रहे थे, लगभग 10 से 12 दिन का समय देकर फिर से एक और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ली गई और फिर से तीसरी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो गई। तो ये तो था 10th और 12th का, कि अब उनकी एग्जामिनेशन का इतना एक्सपोजर है कि उन्हें किसी भी प्रकार, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्लास 1 टू 9 और 11 की बात करें, हम पूरे वर्ष भर बच्चों के साथ वेरियस एग्जामिनेशन और असेसमेंट के माध्यम से उनकी लर्निंग कंफर्म करते हैं। विगत 20 से 25 दिनों से एक रिगोरस रिवीजन शेड्यूल हम लोगों का तैयार हुआ है। कमला ठाकुर मैम नमस्ते। एक रिगोरस रिवीजन शेड्यूल तैयार हुआ है। इस रिवीजन शेड्यूल में बच्चों को हर दिन टीचर्स एक कंटेंट, एक चैप्टर, एक कंसेप्ट डिफाइंड वे में क्लास में उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसी प्रकार के होमवर्क उन्हें दे रहे हैं। यानी कि लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में कम से कम 1 से 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया जा चुका है। इसका मतलब अब बच्चे को स्ट्रेस आने का प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। अब जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो वो एग्जाम देने के लिए तैयार है। आज से 15 से 20 दिन पूर्व एज ए मेंटर ऑफ द चिल्ड्रन आई हैव बीन टू द क्लासेस एंड डिस्कस विद द स्टूडेंट्स। मैंने बच्चों से बात की और पता किया उनका रिवीजन शेड्यूल क्या होने चाहिए। एंड ईच क्लास, हर एक क्लास में जाकर के हर बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया गया कि उन्हें हर सब्जेक्ट का रिवीजन किस तरह से करना है। एक आम तौर पर पेरेंट्स और जो नॉर्मल कॉमन मेंटेलिटी होती है कि बेटा पढ़, आपको अब एग्जाम आ गई है, अब आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है, पढ़ो। हम आज तक समझ नहीं पाए कि वो बच्चा जो समझ नहीं पा रहा है कि इसमें मैं क्या करूं, उसको सही दिशा में दिशा देने के बजाय एक थोप दिया कि तुझे पढ़ना है, वो कंफ्यूज है। ये एक सामान्य फिलोसॉफी है जो हम समझते हैं एज ए टीचर, और इसलिए हर कक्षा में, हर क्लास में आई वेंट टू ईच एंड एवरी क्लास ऑफ द स्कूल एंड क्लेरिफाइड देम हाउ दे आर सपोज टू रिवाइज द कंटेंट। आप कैसे रिवाइज करेंगे, आपके पास किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, आपके पास समय कितना है और आपको उसमें कैसे इसको बांट देना है, कैसे थोड़े थोड़े मात्रा में हम अपने बच्चों को हम एक एक सब्जेक्ट को दे करके व्यवस्थित तरीके से हम ये काम कर सके। यहाँ एक और बात अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे, जब मैं ये बता देने के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता करके आ गया हूं, आई वेंट टू द स्टूडेंट्स अगेन, मैं फिर से बच्चों के पास गया। अगर उन्हें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपन उनको फिर से कुछ चेंज करें। डियर पेरेंट्स, एक सामान्य सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक सिस्टम बनाया जाता है, यहाँ हम एकेडमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बच्चे के रिवीजन शेड्यूल की बात कर रहे हैं, उसका एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम को बना के बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है। लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिस्टम को लेकर के एज इट इज शुरू कर दे। वो करने से पहले एक रेजिस्टेंस था, मैं क्यों करूं, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को सुव्यवस्थित तरीके से देना और देने के बाद देखना, दैट इज नोन एज मॉनिटरिंग, उसमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। तो हमें लगा कि अगर पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होगी तो पेरेंट्स इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे। इमीडिएटली द थॉट केम इन द माइंड कि हम पेरेंट्स को जो बच्चों को हम बता रहे हैं, जो रिवीजन पैटर्न हम बोर्ड पर बच्चों को समझा रहे हैं, पेरेंट्स के पास भेज दिया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए
स्कूल टीचर्स हैव इमीडिएटली टुक द पिक्स ऑफ द बोर्ड एंड फॉरवर्डेड इट टू द पोर्टल। ये पोर्टल पर देने का इंटेंशन यही था कि जो हमने डिसाइड किया है वो आप तक सही तरीके से पहुंचे, अर्थात हर एक मिनट का यूज बच्चा कैसे करेगा। एक बात और ध्यान रखें, हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में रहे, और रहना भी नहीं चाहिए। हम किसी बच्चे को इसलिए नहीं स्कूलिंग करवा रहे हैं कि वो स्ट्रेस लेकर के आए, लेकिन ये स्ट्रेस तब नहीं आता है जब हम उसे एक सिस्टमेटिक पैटर्न में स्टडी देना शुरू करें, और दूसरा जब उसे स्टडी करने में मजा आने लगे। अब आप ये पूछेंगे मजा कब आएगा? निश्चित तौर पर यह एक सही प्रश्न होगा। उसे मजा तब आएगा जब उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। अब अगेन एक क्वेश्चन आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट कब आएगा? जब वो क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर सही लिख करके बताएगा। अब वो सही उत्तर कब बताएगा? जब घर पर वो एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएगा। ये पूरा एक सर्कल है, इस सर्कल को हमें बहुत टाइटली उपयोग करना होगा, यूज करना होगा। डियर चिल्ड्रन, आप स्ट्रेस में क्यों होंगे? मैं नहीं समझता। क्या उन मार्क्स के कारण जो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, या उन मार्क्स के कारण जो आपके वेंसडे टेस्ट में आए हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन में आए हैं, या आज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है? मैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने बहुत प्रॉपर रिवीजन किया है अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अभी मैं आगे आपको सारी टिप्स में देना चाहूंगा कि आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, और आज वैसे मैंने बात की भी है। डियर पेरेंट्स, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी की है वो आज उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक दिखाई देगी। वे इस समय बिना किसी स्ट्रेस के अपना रिवीजन कर रहे होंगे और तैयारी में है कि कब क्वेश्चन पेपर आए और हम इसको सॉल्व करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उतना सीरियसली नहीं करते, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज है। लेकिन वो अभी भी अगर स्टडी के अवर्स को मैनेज करें, मेंटेन करें, तो निश्चित तौर पर वे भी किसी भी बिना किसी स्ट्रेस के एग्जामिनेशन देंगे। तीसरा केस होता है जो वर्ष भर पढ़ाई नहीं किया, बार बार कहने पर भी, पालकों के सामने भी और पालकों के अलावा भी, जिस बच्चे ने स्टडी नहीं की वो तो यू भी स्ट्रेस में नहीं है, क्योंकि उसने अगर स्ट्रेस लिया होता तो एग्जाम के समय में वो स्ट्रेस फ्री होता। तो मैं नहीं मानता कि इस समय किसी भी बच्चे को स्ट्रेस होना चाहिए। अब जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया था या अब उसने करना शुरू किया है तब उसे निश्चित तौर पर स्ट्रेस आएगा, लेकिन अब स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसे जो पहाड़ सामने दिख रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप आगे चलने की शुरुआत करना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ी सी कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रिपरेशन की हम बात करें एक लास्ट मोमेंट के ऊपर। परीक्षा में कुछ समय बचे हुए हैं, इसलिए एक तो सबसे अच्छी हैबिट बनाएं, सुबह जल्दी उठें, लगभग 5 बजे के आसपास आप बिस्तर से बाहर हो, और 5:30 से 6:30 बजे तक डॉक्टर शीतल डावर साहब गुड इवनिंग, जल्दी उठ करके 1 से 1.5 घंटे आपको रिवीजन करना है। और ये कौन सा रिवीजन करना है? जो आपने रात को पढ़ाई की है, जो चीज आपने रात को पढ़ाई की है, जो आपने रात को पढ़ाई की है उसे सुबह उठ करके रिवाइज करें, क्योंकि रात भर के कारण जो बच्चे ने जो स्टडी की थी उस स्टडी को
व्यवस्थित तरीके से सुबह के फ्रेश माइंड में रिवाइज कर लेने से वो कंटेंट पूरी तरह से या अच्छे तरीके से याद होता है या समझ में आता है। और इसके साथ ही आपका रिवीजन शेड्यूल इतने अच्छे से प्लान होना चाहिए कि जो ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपके इंडिविजुअल जितने भी हैं जहां क्या करेंगे। इस समय आपका सबसे अच्छा साथ कौन दे सकता है? सविता मंडोई मैम गुड इवनिंग, टॉपर ऑफ 10th क्लास, नमस्ते। मेरी उम्मीद है कि आप हमेशा टॉपर रहे और वेल प्लान आपकी स्टडी हो। और सबसे पहली बात, आपको जब जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे एक बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले जो इजी है, जो आपको आसानी समझ में आ रहा है, उसे पढ़ते चले जाए, उसे याद करते चले जाए और इजी से डिफिकल्ट की ओर जाए। इससे क्या होगा कि आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। वही जो सेंस ऑफ अचीवमेंट की मैंने बात कही है इससे पहले कि आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा क्योंकि आप अब अपने इंटरव्यू को और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। जो 10th और 12th के बच्चे हैं, 10th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सभी इस विद्यालय के, हर्षित कौशल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, जो बच्चे 10th और 12th की एग्जाम दे रहे हैं वो सैंपल पेपर को अच्छे से समझ लें और टेस्ट का डर दिमाग से निकाल दें। ये एक सामान्य सा टेस्ट है जो हमें आके देना है। एग्जाम वाले दिन भी जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए। डर हर एक व्यक्ति को होता है और वो डर नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस। दो प्रकार के होते हैं स्ट्रेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रेस वो होता है जो किसी की बात से, किसी के एक्शन से हमें होता है और हम उससे डिस्ट्रेस होते हैं। और पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जब हम परफॉर्मेंस करने के लिए स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे आज बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस जोन में हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फियर नहीं हो, बेस्ट परफॉर्मेंस की तैयारी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम जितने सिंपल रहेंगे, जितने बिना किसी टेंशन के रहेंगे, उतना बेहतर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, जैसे जैसे एग्जाम आती है हमारा दिमाग खराब होने लगता है। मैं देखता हूँ, मुझे आज खुशी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज जब मैं बच्चे क्लास 9th और 8th के बच्चों से बात कर रहा था, उनके अंदर की एनर्जी देख करके, उनके चेहरे की चमक देख करके मुझे विश्वास था कि ये सारे बच्चे बहुत शानदार परफॉर्म एग्जाम में करने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस मुझे उन पर दिखाई दिया, उनके चेहरों पर दिखाई दिया और ईश्वर करे कि जो मैं सोच रहा हूँ वह शत प्रतिशत उनके लिए सही हो, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी है और उनसे बात करते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े अच्छे मोड में थे। तो 10th और 12th के पेरेंट्स स्पेशल ध्यान दें, बच्चे ने साल भर मेहनत की है एंड द स्टूडेंट्स आल्सो आर एक्सपेक्टेड टू लिसन एंड पे अटेंशन टू इट। अपनी मेंटल हेल्थ की केयरिंग करें, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की कैसे केयरिंग करेंगे? फालतू के अननेसेसरी इमोशंस इसमें आने नहीं दें, कोई बुराई भलाई इसके अंदर नहीं आने दे। इस समय कुछ भी नया स्ट्रेस दिमाग में नहीं आए सिवाय स्टडी के, और हम फ्रेश रहें। हम किसी भी बुरे साहित्य को तरफ नहीं देखें, हम किसी भी ऐसी न्यूज़ की ओर नहीं देखें जिससे हमारा दिल दुख सकता है, दिमाग खराब हो सकता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को रखें और फ्रेश रहें, थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं ऑल द चिल्ड्रन क्लास 1 to 12 जो मैं बताने जा रहा हूँ, अभी किसी भी प्रकार के फैमिली अफेयर से दूर रहें। परिवार है, 10 प्रकार की एक्टिविटी होती है। अंशुमन काक जी गुड इवनिंग, 10 प्रकार के एक्टिविटी चलती रहती है। परिवार होता है तो बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती है, बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, एवरी टाइम एंजॉयमेंट होता है। कभी कभी कुछ क्रिटिकल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय इस समय सिर्फ स्टडी की ओर ध्यान देना है। तो प्लीज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द फैमिली अफेयर्स एंड द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम द फैमिली अफेयर्स। एक बात आप लोगों को शायद याद पता होगी कि जब पुराने जमाने में जब हम बात करते हैं, जो गुरुकुल के युग थे, उस समय बच्चों को
परिवार से दूर रखा जाता था विद्याधन करने के लिए। क्यों रखा जाता था? क्योंकि वह किसी भी प्रकार के फैमिली अफेयर में, क्योंकि वहां उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल बिलोंगिंग है, उससे दूर रखा जाता था, जिससे कि वो अपना पूरा ध्यान लगा करके अध्ययन कर सके। इवन राजा और महाराजाओं के बच्चे भी जंगलों में रहकर गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। तो वो इसलिए रखते थे कि जिससे स्टडी करते समय इन्हें कोई किसी भी प्रकार का मानसिक संताप ना हो। तो कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम ऑल फैमिली अफेयर्स एंड पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इमोशन। दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को यह भी ध्यान रखना है, अभी जनरली हर छोटी मोटी बात के ऊपर छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती रहती है, और लेकिन बच्चों के दिमाग पे उसका गलत असर पड़ सकता है। वो पढ़ने के लिए बैठा है, आप उधर दोनों किसी एक छोटी सी बात के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हेल्दी नहीं है। इस समय आपको बच्चे को पूरा हेल्दी इन्वायरमेंट देना है, उसे हेल्दी इमोशंस देना है, जिससे कि वो एक हेल्दी रिजल्ट्स आप लोगों के सामने दे, हेल्दी वे में स्टडी करने का माहौल बने। तो इस समय आपके केयरिंग की बहुत आवश्यकता है, आपके द्वारा क्रिएट किए गए इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। याद रहे ये समय बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो साल में हर साल एक बार जरूर आता है। तो आप अपने बच्चों की खातिर थोड़ा सा फैमिली का एनवायरनमेंट, जो आपके घर बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन अगर कुछ होने भी जा रहा हो तो उसे रोक दें। एक और बात रखें, चाइल्ड शुड अलॉट मोर टाइम टू द सब्जेक्ट दे आर रिलेटिवली नॉट कंफर्टेबल इन टाइम टेबल। जब वो टाइम टेबल बनाया हो उसने, अच्छा ये ध्यान रखें, जब तक एग्जाम शुरू नहीं है उसे पांचों सब्जेक्ट छहों सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए मैथ्स, मैथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट। सपोज कई बच्चों को मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और कंफर्टेबल लगता है, किसी को इंग्लिश कठिन लगती है, किसी को साइंस कठिन लगता है, किसी को सोशल साइंस में दिक्कत आती है। तो हमें ये नहीं मानना है कि कोई एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको अपने टाइम टेबल में अधिक समय देना है, और वो समय देने के साथ साथ अगेन उसको भी एक निर्धारित निर्धारित समय में उसे कंप्लीट करने के लिए उसे मोटिवेट करना है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, जिनमें महत्वपूर्ण है टीवी और सोशल मीडिया। टीवी इस समय देखना वो, क्योंकि टीवी निश्चित तौर पे मे बी इंफॉर्मेटिव बट टाइम किलिंग भी है, और इस समय उसके पास टाइम किल करने के लिए है ही नहीं, तो इसलिए टीवी से दूर रखें। अब समय आ गया है कि आप उसे कंप्लीट मोबाइल फ्री कर दें, उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का गैजेट नहीं होना चाहिए। स्कूल ने कंप्यूटर और जीके की एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट कर ली है, जिसे भी लगभग 6 दिन हो चुके हैं। अब उसे किसी भी प्रकार से किसी भी सूरत में मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल उसके हाथ में आते ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजें अपने आप खुल जाती है, वो अगेन उसका टाइम किलिंग है। वो गलत होगा या नहीं होगा वो सेकेंड इशू है, लेकिन समय उसका बर्बाद होगा ये तय है, और समय उसके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, मैं इसलिए ये पूरा बाय एयर आई एम जस्ट अनाउंसिंग, नाउ द चिल्ड्रन शुड बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया। अगर हम ये कर सके तो बच्चों के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट होगा। कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को लेना है, जैसे बच्चे को मेंटल सपोर्ट दें। जब बच्चा परेशान हो गया एक सवाल को करते करते नहीं आ रहा है, और वो ये सोच रहा है कि थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा है, यहां मेंटल सपोर्ट करने की आपको आवश्यकता है, उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता है। उसे बोला कोई बात नहीं, ये नहीं होगा तो हम दूसरा कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं हो रहा है तो हम टीचर से बात कर लेते हैं। अगर आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी प्रकार से तो बिल्कुल करें, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है तो आप बिल्कुल करें। अब चूंकि आपने मोबाइल से उसे दूर कर दिया तो उसके उसे रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप देखें, आप उसकी सपोर्ट करें, शायद इस समय ये सपोर्ट उसे बहुत काम करेगा। या फिर उससे कहें कि वो अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करें, और टीचर से कॉन्टेक्ट करने में आप उसकी मदद करें, ये उसके लिए सबसे बड़ा मेंटल सपोर्ट होगा, जो उसकी बहुत ही आवश्यकता इस समय है।
उसे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए, जैसे फूड हैबिट है, फिजिकल फिटनेस है, मॉर्निंग में उठ करके उसे 1 घंटे घूमना है। ये आप मान के चलिए कि आधे घंटे 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिन दिन भर बैठेगा, 6 से 7 घंटे 8 घंटे वो लगातार बैठ करके स्टडी करने की कोशिश करेगा, तो इस समय उसको फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता है, उसकी एक अच्छी फूड हैबिट डेवलप करने की आवश्यकता है। हेल्दी फूड दें, जंक फूड बिल्कुल नहीं दें। अब ये चाइनीज और ये दूसरे मंचूरियन वगैरह सब बंद करें, बाहर का खाना उसका बंद करें, जितना हो सके हेल्दी फूड दें, हल्का फूड दें, लेकिन उसे फूड प्रॉपर तरीके से दें, जिससे कि उसे पर्याप्त नींद आए। पर्याप्त नींद से यहाँ मतलब है 5 से 6 घंटे की नींद, 5 से 6 घंटे की नींद, उस 6 घंटे कम से कम उसने सोना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रेशर अपने बच्चे पे इसमें नहीं हो, और न ही आप किसी प्रकार से प्रेशर करें। आपने अगर साल भर प्रेशर नहीं किया है तो अब प्रेशर करने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब प्रेशर लगाना चाहिए था जब आपने लगाया नहीं, अब लगा करके आप एक नई समस्या खड़ी कर लेंगे। इसलिए जो भी करना है स्मूथ वे में बच्चे को सपोर्ट करें, उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी सजेशन मेरा जो है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन टू इट एंड जस्ट चेक व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर। सी, डीक्लटर स्टडी स्पेस मींस, जितना भी मटेरियल अभी आप ढेर सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे थे, ढेर सारे मटेरियल यूज कर रहे थे, अभी ये सर ने वो दिया, ये सर ने वो दिया और ढेर सारा पढ़ रहे, सब हटा दीजिए। अब सिर्फ आपके पास एनसीईआरटी ही होना चाहिए या उससे रिलेटेड मटेरियल ही चाहिए, आपका तैयार किया हुआ नोटबुक आपके साथ हो, आपकी बुक साथ में हो, और जिस समय जो पढ़ रहे हो, सपोज यू आर स्टडिंग मैथ्स, मैथ्स के अलावा टेबल पर दूसरा कोई कंटेंट नहीं हो, जैसे ही मैथ्स का समय खत्म हुआ आप खड़े हुए, इस बहाने कम से कम आपकी फिजिकल एक्टिविटी हुई, उस बुक को वापस रखिए, वापस रखने के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है उस बुक को लीजिए एंड देन स्टार्ट। टेबल पर आप अननेसेसरी मटेरियल, क्योंकि ये शो करता है कि आप कितने कंफ्यूज्ड हैं, और अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आपको मोटिवेट होकर, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू राइट एन एग्जामिनेशन माय डियर चिल्ड्रन। अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इकट्ठा नहीं करना है, आपकी टेबल से सारे सामान को हटा दीजिए। और आदरणीय पालकगण, आप देखिए कि बच्चा जिस समय जो पढ़ रहा हो उसके अलावा वहां पर और कोई मटेरियल नहीं हो, उसके पास सिर्फ एनसीईआरटी का मटेरियल पाया जाए उस, और वो उससे रिलेटेड मत देखे, क्योंकि अब उसका पूरा पूरा ध्यान उसी ओर है। क्लास 12th मैथ्स के बच्चों के लिए अच्छा है कि जेई मेंस वो दे चुके हैं और अब उन्हें अपने बोर्ड की ओर फोकस करना है, इसलिए सारा जेई मेन का मटेरियल दूर कर दे। अब अगर पढ़ना है तो एग्जाम के बाद, यानी कि 16 तारीख के पश्चात, 16 मार्च के बाद, यू कैन स्टार्ट योर स्टडी फॉर जेई मेंस, बट नॉट नाउ। नाउ यू आर सपोज टू फोकस कंप्लीटली ऑन योर एनसीईआरटी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी tested in only the material of NCERT, my dear children. So be prepared for that. Remove everything, every stuff that is there on the table of any competitive examination. Now you need to focus on only NCERT material. Or revision se badhkar koi key nahi hai to get the success in this life. Or revision to chahe aapko lag raha hai ki mujhe aata hai, aapko chahe aata hai, लेकिन इस समय वो आने और न आने की बात को छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि आपको रिवीजन तो कंटिन्यू करते जाना है, लगातार करते जाना है, तब तक करते रहना है कि तब तक कंटेंट आपके मन मस्तिष्क में अच्छे तरीके से न बस जाए, क्योंकि तभी आप उसके द्वारा बनाए गए अन्य डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जब तक कि कंटेंट आपके दिमाग में नहीं है, आप उससे बने हुए क्वेश्चंस को नहीं दे पाएंगे। एंड अगेन आई टेल यू, एक बार जिस चैप्टर को या जिस कंसेप्ट को आप रिवाइज कर रहे हैं उसे थॉरली अपने बुक में जरूर पढ़ें। हाँ, फॉर 10th एंड 12th दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दैट दे मस्ट प्रैक्टिस थ्रू सैंपल पेपर एंड चेक इट आउट। सभी लोग सैंपल पेपर से करें, इससे क्या होगा, दिस सैंपल पेपर्स आर सेट बाय सीबीएसई एंड सीबीएसई हैज प्रिपेयर्ड दिस सैंपल पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो पैटर्न इज सेम। एंड देन टेक योर टाइम, वो 3 आवर्स के समय में करना है, 3 आवर्स के समय में करना है, सॉलिड।
एंड आफ्टर सॉल्विंग चेक द एरर, उनकी एरर को भी चेक करें, एंड देन अगेन वो क्वेश्चन फिर से लिखे जिनमें आपने एरर की है, गलतियां की है. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एनालाइज द पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम. जब आप सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर का पैटर्न पूरा समझें, एनालाइज करें और मार्किंग स्कीम को भी समझें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि किस समय कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कितने से काम होगा. एंड स्टे काम, बिल्कुल शांत रहें, किसी भी प्रकार से ओवर स्टडी नहीं करें बिफोर द एग्जामिनेशन. क्योंकि जितना ज्यादा इस समय आप स्टडी करेंगे, हो सकता है, क्योंकि ओवर स्टडी, नॉर्मल स्टडी हो वही 5 से 6 घंटे जो आप कर रहे थे, 7 घंटे इससे अधिक नहीं, ओवर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा. स्ट्रेस बढ़ेगा तो जो याद कर रहे हो वो याद नहीं होगा, एंड यू विल बी बेफल्ड, एंड फाइनली यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग स्पेशल इन योर एग्जाम. तो स्टे काम, पूरा रहें. इस बात का ध्यान रखें किसी भी प्रकार की कोई हबड़ दबड़, जल्दबाजी हमें नहीं करना है. द लास्ट मिनट टिप, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, डियर चिल्ड्रन, रीच एग्जाम हॉल बिफोर 30 मिनट्स ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म. सीबीएसई की एग्जामिनेशन हो या लोकल एग्जामिनेशन, हमें समय से 30 मिनट पहले स्कूल या एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है. प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो. क्यों यूनिफॉर्म में होना आवश्यक है? क्योंकि आपका आधा स्ट्रेस बढ़ जाएगा जब टीचर आपको यूनिफॉर्म में नहीं होने के कारण रोक लेगा. इस समय कोई बर्थडे या किसी भी पर्व पर भी सिविल यूनिफॉर्म में नहीं आए, सिविल ड्रेस में नहीं आए. यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म. तो प्लीज टेक केयर. वो 30 मिनट इसलिए पहुंचे कि किसी भी प्रकार के न्यू इंस्ट्रक्शन के लिए, अपने एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के लिए प्रॉपर हो. हमेशा याद रखें, समय से पहले पहुंचते हैं तो हमें पूरा व्यू प्रॉपर तरीके से मिलता है, और अगर समय से बाद पहुंचते हैं तो हमेशा हम सीधे टारगेट पर जाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे नुकसानदायक हो सकता है. चेक योर एडमिट कार्ड एंड पेन पेंसिल. अपना एडमिट कार्ड चेक करें घर से निकलने के पहले कि वो आपने रखा है कि नहीं. निश्चित तौर पर ये चेक लिस्ट में डाल लें. एडमिट कार्ड, पेंसिल, कंपास, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देख लें इससे पहले कि आप एग्जामिनेशन में जाएं या उसके लिए जाने की तैयारी करें. आप अपने इन सारी चीज़ों को जो एसेंशियल्स हैं उन्हें देखें. डू नॉट टॉक टू द फ्रेंड्स अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने अपने किसी भी फ्रेंड से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करनी है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा नेगेटिवली, और फिर जो आपने याद किया है वो भी आपके मस्तिष्क से चला जाएगा और आप कहेंगे मुझे सब कुछ याद था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया. जो ऐसे टर्म बोलते हैं वो इसी प्रकार के स्ट्रेस के कारण आता है. इसलिए अपने फ्रेंड से इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है. तो ये ध्यान दें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे. थैंक यू वेरी मच. एक क्वेश्चन है कुणाल ठाकुर, क्लास 3S इंग्लिश और 5S. मैं रिवीजन ठीक से नहीं हो पा रहा है. मैम, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हर क्लास में मैं रिवीजन चेक कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपके इस बात को देख करके मैं आप तक पहुँचाता हूँ. आपने बताया है कुणाल ठाकुर 3S और 5S में कौन है, जो मैं समझ लेता हूँ और मैं इसका आप तक पूरा एक इंफॉर्मेशन के रूप में टीचर आपसे बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से रिवीजन कराया है. थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने विद पेशेंस मुझे सुना है. मैं आपके बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ और विश करता हूँ कि दे मस्ट हैव द वंडरफुल टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. खूब स्मूथ एग्जामिनेशन हो और अच्छे क्लाइंट क्लर के साथ बाहर आए. डियर चिल्ड्रन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विश दैट यू मस्ट कम विद द फ्लाइंग कलर सो दैट वी कैन हैव ऑल सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन हियर इन द स्कूल कैंपस. वन मोर इंफॉर्मेशन डियर पेरेंट्स,
नाइन्थ और टेंथ के जो सन 2023-24 में विदाउट एनी एक्स्ट्रा कास्ट बच्चों को एरन की फैकल्टी और फैसिलिटी दी जा रही है। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, आप स्कूल में मुझसे आगे संपर्क कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू वेरी मच।